हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज मैंने क्या बनाया है चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सौफिया दम आलू की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर एक बार आपने इस तरह से बना लिया तो आप बार बार बना के खाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले हमें आलू को बॉईल कर लेना है, तो हम आलू को अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद उसको थोड़ा सा साल्ट ऐड करके और आलू को बॉईल कर लेंगे ताकि आलू के अंदर तक साल्ट चला जाए। तो आलू बॉईल हो गए हैं और यहाँ पे मैंने छील के ले लिया है। और इसको काटने का है तरीका अलग, इस तरह से अगर काट के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। और इसका काटने का इस तरह से, हम इसको यहाँ पे आलू दम के लिए खड़े नहीं लेंगे, हमें इस तरह से एक आलू में 3 या 4 पीस करना है। तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा से आलू के अंदर मसाले भी जाते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से आप ज़रूर काटें इसको। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लिया है ऑनियन, जिंजर, चिली और गार्लिक, और इन सब चीज़ों को हमको ग्राइंड करना है। और यहाँ पे मैंने 2 टोमेटो भी लिया है, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबका मिला के पेस्ट रेडी कर लिया है। तो चलिए अब बनाते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दिया है और यहाँ पे तेल गरम हो गया है। तेल हमें सरसों का लेना है, मस्टर्ड ऑयल में ही हमको बनाना है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद हमें जो इसका सीक्रेट है वो है सौंफ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच सौंफ लिया है, इसी से इसका फ्लेवर चेंज होता है और बहुत टेस्टी लगता है। और सौंफ को क्या करना है, हमें थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है या पीस लेना है, दरदरा लेना है, खड़ा सौंफ नहीं लेना है। और इसके बाद हमें इसके अंदर जो मैंने पेस्ट बना के रेडी किया है वो पेस्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेस्ट रेडी कर दिया है और इसको कवर कर दिया है क्योंकि थोड़ा ऊपर नहीं आए। और उसके बाद यहाँ पे हमें हींग ऐड करना है, हींग ज़रूर ऐड करना है क्योंकि आलू है। तो यहाँ पे हींग भी ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, आप और यहाँ पे लिया है जीरा पाउडर, अगर आप हल्दी पाउडर, और आप मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चिली पाउडर हाफ लिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं मसाले भी बहुत अधिक हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, फिर भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हम ये मसाले तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अच्छे से नहीं ऊपर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये भून रहा है और इसे अच्छे से भूनना है। आप चाहें तो टोमेटो और ऑनियन को अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर मैंने बहुत फटाफट बनाया है तो मैं साथ में ही कर लिया है। आप किसी तरह से भी बनाएं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, तो मसाला हमारा अच्छे से आप देख सकते हैं भून गया है और बहुत अच्छे से। उसके बाद जो हमने आलू को करके रखा है कट, उसको ऐड कर देंगे। और मसाले के अंदर इसको हमें अच्छे से भूनना है, और बहुत अच्छे से जब मसाले के अंदर आलू अच्छे से भून जाएगा उसके बाद इसके अंदर हमें वाटर ऐड करना है। और वाटर हमें कैसा ऐड करना है, गरम करना है, गरम वाटर इसके अंदर हम अभी एक बार कवर करेंगे ताकि मसाले में भून जाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं अच्छे से भून गया, आप देखिए ऑयल भी थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है और अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गरम पानी कर लिया है, आप देखिए ये गरम पानी है और इसको मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ। और उस देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया है। और करी आपको कैसा रखना है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा भी। और फ्रेंड्स, ये पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर जो हमने सौंफ का तड़का दिया है उससे इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट आता है। और एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, गारंटी है मेरी। तो यहाँ पे मैंने साल्ट ऐड कर दिया है, देख सकते हैं स्वाद के अनुसार। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करके कवर कर देंगे। और उसके बाद फिर हम एक दो बार फिर से इसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेक किया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सब्जी का टेक्सचर और आया है, कलर आया है, तो आप देख ली सकते हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ करी भी अच्छी रेडी हो गई है। और एक बार हम फिर से इसको कवर करेंगे, थोड़ा और हम इसे पका लेंगे। तो हमने थोड़ा और पका लिया है।
मैंने इसके अंदर चॉप किए हुए कोरिएंडर को ऐड कर दिया है और मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, उसके बाद हम सर्व कर लेंगे। और इसका सीक्रेट ये है कि इसके अंदर हमें लास्ट में एक चम्मच घी ऐड करना है, जिससे कि हमारे सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो आप ये भी ट्रिक ज़रूर अपनाएं, और बहुत कभी भी आप बनाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है घी डालने से। तो अब मैं एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाउल में सब्ज़ी को सर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं को कितना अच्छा सब्ज़ी बना है, और इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, सब्जी मैंने सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा सौफिया दम आलू की रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब भी मैं कोई रेसिपी डालूंगी, तो इसलिए बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।